पूरे प्रदेश और दिल्ली में लॉकडाउन है, लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं। और जस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये एक रिक्शे वाले, एक साइकिल ठीक करने वाले मेरे भाई हैं, और इनके सामान पे आप ध्यान दीजिएगा। अगर सामान देखेंगे तो मुश्किल से 200-400 रुपये का सामान होगा, और ये इस इंतज़ार में है कि कोई आए और इनका रोज़गार चले। भैया कुछ आया सुबह से, कोई आया ग्राहक व्राहक आया? नहीं आया सुबह से, कोई ग्राहक नहीं आया। तो ये जस्ट ज़्यादा सामान लेके आप बैठे हुए ऐसे लगा के बैठे, क्या करे, है ही नहीं कोई, हवा हवा भरने वाला कोई आ जाता। लॉकडाउन चल रहा है, खाने को है नहीं, आप ये जस्ट थोड़ा सा सामान लेके बैठे हुए हैं, और इसलिए इस आस में बैठे हुए हैं कोई साइकिल वाला आए और आपके 10-20 रुपए बन जाए। हाँ सर, यही करें, क्या करें। सुबह से कितने पैसे बने? 20 रुपए का काम करा है। 20 रुपए का काम करा है सुबह से। और घर में खाने वाले कितने लोग हैं? खाने वाले के 6-7 जने हैं सर, क्या करें। और कौन है बड़ा घर में कमाने वाला? कमाने वाला तो मैं ही हूँ बस। क्या नाम है आपका? महबूब। महबूब भाई, जब घर पे जाओगे और घर पे वाइफ पूछेगी क्या कमा के लाए, तो क्या जवाब दोगे? क्या जवाब देंगे, जो आता है 10-20-30 रुपए जो आएंगे वो दे देंगे घर में, और क्या करेंगे। खर्चा पानी होता नहीं है, हियन आ जाते हैं, चलो जी आसरा होता है, थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा, हियन पे आएंगे तो 2 पैसे 10-20 रुपए का 50 रुपए कुछ काम ही हो जाएगा। जैसे भी ऊपर वाला गुजारा कर रहे हैं अपने, हो ही रहे अपने, क्या। अच्छा, कभी कोई ऐसा हुआ कि कोई साइकिल वाला आया हो, कोई गाड़ी वाला आया हो, उन्होंने आपको ज़्यादा पैसे दिए हो, कि ले भाई 10 की जगह 50 ले लीजिए दोस्त? ना ना ऐसा नहीं, 5 रुपये 2 रुपये मांगो तो कहता है कि राख है नहीं, पैसे नहीं है, 2 रुपये भी हवा के मांगो तो कहता है 2 रुपये भी है तो दे दो, देता है नहीं है तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, हवा भी आप हाथ से ही भरते हो या वो खुद भरता है? नहीं, खुद भी भर लेता है, हाथ से भी भर देता है। राशन वाशन मिलता है? हाँ राशन मिल जाता है, अभी तो मिला नहीं है, मिलेगा राशन, राशन मिल जाता है। तो इस बार ईद कैसी रही आपकी? ईद क्या रही, बस ऐसे ही घर में रहे बस, और कहाँ जाएंगे। अब पैसे कौड़ी होते नहीं है, कोई सब्जी की थैली वेली लगा लो, कुछ काम कर लो, चलो भैया गुजारा कर लेंगे, चल फिर के बेच लेंगे। जब खाने के लिए पैसे नहीं है तो काम ही क्या करोगे। अल्लाह पे यकीन है? बिल्कुल यकीन है, बिल्कुल यकीन है। अब ऊपर वाला जैसे खुश रखेगा वैसे जो होगा, अपने दाल रोटी चटनी रोटी जैसे भी मिलेगी अपने खाएंगे, और क्या। तो इसी आस में थे कि 2-3 हज़ार रुपये इकट्ठे हो जाए और कम से कम सब्जी का बेचना ठेला शुरू कर दे, किराए पे ले गए 10-20 रुपए, इसमें क्या आता होगा? साइकिल वाले तो कोई 10-20 रुपए कोई आ गया तो आ गया, नहीं आया तो खाली चले जाएंगे घर पे। जो नसीब में है, जो ऊपर वाले ने है वो तो कर रखा है तो कर रहे। बहुत ज़्यादा परेशानी, वो घर में क्या बताया जाए यार, मैं तो मजबूरी में आ जाता हूँ, चल यार 10-20-50 का काम हो जाएगा, चल दे दूंगा घर में कर लूँगा। जो गरीब आदमी हो सहायता कर रहे हो, मजो परेशानी को हल कर रहे हो, ये अल्लाह ताला तुम्हें बहुत दे। मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह ताला इतना दे सबको, बुरी बला से बुरी आफत से बचाए सबको तुम्हारे साथ। 2000 में सब्जी का ठेला लगा लोगे? हैं, 2000 में लग जाएगा, उम्मीद है ठेला लग जाएगा। अब सब्जी का कुछ काम तो फिर करना ही पड़ेगा, अब क्या करें, बिना पैसों से तो कोई काम होता नहीं सर। आजकल तुम्हें पता हर चीज़ तो इतनी महंगी है, क्या करें क्या ना करें, ना तो साइकिल का सामान डालो, ना तो फिर कोई सब्जी का थोड़ा बहुत लाओ, आलू प्याज लाओ वही बेचो, और क्या करो। ये है चक्कर, क्या करा जाए। 3000-4000 और मेरे भाई के लिए, महबूब के लिए 5000। खुश हो महबूब भाई? हाँ बिल्कुल। यकीन था कोई आएगा ऐसे आके दे जाएगा 5000? आएगा क्या भाई, हम तो ऊपर वाले सारे से बैठते हैं भाई, जो आएगा तो ठीक है, जैसे जो भी है मैंने क्या करा जाए। मैं तो हम परेशान भाई, मैं क्या करूँ, मैं तो अपने आके ही बैठ जाता हूँ, अल्लाह ताला जो दे देता है भेज देता है उसमें करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आजकल भाई साहब कौन किसकी हमदर्दी करता है, कौन किसका ख्याल करता है, पहले ये बताओ। कोई किसी का ख्याल नहीं करता है, क्या कैसे हो कैसे नहीं। अल्लाह सबके साथ है, वो पहचानता है महबूब भाई, वो पहचानता है कि घर की हालत क्या है, वो महबूब की हालत क्या है, वो सबकी हालत पहचानता है। चले महबूब भाई, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा,
और जिस तरह से हमने आपकी मदद की, अल्लाह जब तुम्हें नवाज दे आप भी किसी की मदद कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, दुआएं मांगेंगे आपसे लिए, बहुत कुछ करेंगे, दुआएं मांगेंगे, नमाज पढ़ेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी जब तुम अपनी ठेली लगाओगे ना, सच में मुझे बहुत खुशी होगी। केले ले लेके हिंद से केले ले लगा लूँगा, कुछ भी करूँगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम लोगों का। और मेरा सिर्फ मकसद यही है, मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये सिर्फ यही दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे लोग वाकई में बहुत परेशान हैं इस लॉकडाउन में, जिनके पास में खाने को नहीं है, कमाने को नहीं है, इस छोटी सी दुकान से ये क्या कमा लेंगे, क्या कर लेंगे। 30-30 रुपये 40-40 रुपये जब ये घर में जाके देंगे अपनी वाइफ को, तो वो क्या, वो घर का खर्चा कैसे चलेगा। यकीन मानो, एक टाइम की सब्जी दो तीन दिन चलती होगी। लोगों की हेल्प करें, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इस तरह ही प्यार बांटते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।